जब भी कुछ बाजार जैसा चटपटा खाने का मन हो तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही आसान तरीके से घर के सामान से ही बन जाता है और इसे एक बार बनाइएगा तो इसे बार बार बनाने का मन करेगा। तो ये आज हम बची हुई रोटी से बनाएंगे। तो देखिए ये बहुत ही यम्मी लगती है और इतनी टेस्टी लगती है कि पूछिए मत फ्रेंड्स। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक मीडियम साइज़ का प्याज लिए हैं और एक टमाटर लिए हैं और हरा मिर्च लिए, सभी को बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं और एक प्याज लिए हैं और दो आलू लिए हैं और ये थोड़ा सा चीज़ है जिसे हम ले लिए हैं। तो ये बची हुई रोटी है, दो आप ताज़ा भी रोटी ले सकते हैं। तो आज इसी से हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आलू को हम एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे बारीक। तो इसे आप उबला हुआ भी आलू रहेगा तो उससे भी हो जाएगा, ये कच्चा आलू है तो इसे हम एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसे जितना फाइन काटना है एकदम छोटा छोटा पीस इसे हम बना लेंगे फ्रेंड्स। और इस तरह से हम सभी आलू को काट लिए और उसके बाद प्याज, एक बड़ा प्याज लिए हैं और इसे हम लंबा लंबा स्लाइस में कट कर लेंगे इस तरह से, और सभी को एकदम पतला पतला काट कर और इसे हम सभी प्याज के स्लाइस को अलग कर लेंगे। तो देखिए हम प्याज और आलू को काट लिए और सभी प्याज को अलग कर लिए इस तरह से, और उसके बाद हम एक चम्मच मियोनो लिए हैं और दो चम्मच हम टमाटो सॉस लिए हैं और ये मैगी का जो मसाला होता है फ्रेंड्स वो एक पैकेट हम ले लिए हैं। ये बहुत ही टेस्ट लगता है। और नमक डाल लेंगे, अगर ये मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें भुना हुआ जीरा डालेंगे और थोड़ा सा मिर्चा डाल दिए और आधा चम्मच ओरिगैनो डाल दिए और सभी को अच्छी तरह से पेस्ट के तरह हम इसे मिला लेंगे। देखिए इस तरह से आप इसे मिला लीजिए। और उसके बाद हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाले हैं फ्रेंड्स, और उसमें हम आलू को और प्याज को एकदम हाई फ्लेम में तल लेंगे। तो सभी को हाई फ्लेम में अच्छी तरह से तल लेंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो देखिए ये हल्का भुना गया और थोड़ा सा इसे भून लिए। अब इसे हम तेल से अलग कर कर इसे हम एक प्लेट में, तेल को अलग करते हुए एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सभी को देखिए निकाल लिए और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए ठंडा हो गया है। तो अब इसे हम अपने हाथों से इसे हम मिलाएंगे। तो देखिए इसे हम अच्छी तरह से मैश करेंगे। तो ये एकदम अच्छा तरह से मिल गया। और अब इसमें जो हम प्याज काट कर रखे थे और टमाटर और हरी मिर्च सभी को हम डाल देंगे। टमाटर का बीज अलग कर दिए हैं फ्रेंड्स, और सभी को मिलाकर अच्छी तरह से इसे हम मिलाएंगे ताकि टमाटर प्याज और भुना हुआ प्याज आलू अच्छी तरह से मिल जाए। और उसके बाद हम इसे अलग कर देंगे और इसे हम रोटी को लेंगे और रोटी में अच्छी तरह से इसे हम जो बना कर रखे थे सॉस का उसे हम लगा देंगे। आप इस समय पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और रोटी में हम चारों तरफ से लगा दिए और उसके बाद जो ये रखे हुए थे उसे हम एक साइड में लगाएंगे, जो आलू और प्याज का जो हम बना कर रखे हुए थे उसे हम एक साइड में अच्छी तरह से लगा देंगे भरपूर। और उसके बाद हम जो चीज़ रखे थे उसे भी हम इसमें चीज़ डालेंगे। आप जितना इसमें चीज़ डालिए उतना और अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम चीज़ को रख देंगे और उसके बाद
जो हाफ रोटी है उसे हम अच्छी तरह से दबाकर एकदम इसे हम इस तरह से दोनों तरफ से कर दिए, और सेम दूसरी रोटी में भी हम इसी तरह लगा लेंगे। तो अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इस तरह आप बना सकते हैं। और उसके बाद हम चीज़ लगा देंगे, और सेम प्रोसेस में इसे भी हम उलट कर ढक देंगे और अच्छी तरह से इसे हम सटा देंगे। और अब हम गैस के तरफ चलते हैं। तो गैस के ऊपर एक हम इसके ऊपर पैन चढ़ाएंगे एक। अब दोनों हम तैयार कर लिए तो इसे हम तलेंगे। तो एक पैन रख कर और इसे हम गैस ऑन कर लिए, और इसे हम इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिए। आप इसे ज़्यादा तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, हम इसे हल्का तेल में ही फ्राई कर रहे हैं। तो इसे हम दोनों को अच्छी तरह से रख देंगे फ्रेंड्स, और इसे हम दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी होने तक से तलेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी तल जाता है। तो फ्लेम हम मीडियम रखे हैं, और इसे तेल को चारों तरफ से हिलाते हुए हम इसे तलेंगे। तो एक तरफ से हो गया तो दूसरा तरफ हम पलट देंगे। थोड़ा सावधानी से फ्रेंड्स, फिलिंग निकले नहीं। तो देखिए एक तरफ से इसका कलर कितना अच्छा आ गया है फ्रेंड्स। तो अब इसे हम दूसरे तरफ से भी इसी तरह तल लेंगे। और ये देखिए दूसरे तरफ से भी हो चुका होगा, और इसे हम थोड़ा सा खड़ा कर बीच में भी इसे हम तल लेंगे। इसे दोनों तरफ कम तेल में तल रहे हैं तो इसे हम अच्छी तरह से धीरे धीरे उलटकर इसे तलेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी से पक चुका है। तो इस तरह कर देने से ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से और बीच में भी अच्छी तरह से तल जाएगा। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो अगर एक बार इसे बनाइएगा तो आप पिज़्ज़ा खाना भूल जाइएगा फ्रेंड्स। तो ये दोनों तरफ से अच्छी क्रिस्पी हो गई। तो इसे हम अब एक प्लेट में निकालेंगे। इसे सावधानी से एक प्लेट में निकाल लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसे निकाल लिए, और ये दोनों एकदम लजीज बनकर तैयार हो गया। तो चलिए इसे हम आपको काट कर भी दिखाएंगे। तो ये देखिए कितनी करारी, और ये कितना बढ़िया से इसमें हम जो फिलिंग डाले थे वो भी अच्छी तरह से पक गया है, और चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो इसे हम एक काट कर दिखाते हैं आपको। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है फ्रेंड्स, और ये देखिए एकदम कितना बढ़िया चीज़ ये मेल्ट हो चुका है। एकदम बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा लगेगा, और इसमें जो सॉस ओरेगानो डाले हैं इससे एकदम पिज़्ज़ा का लुक है, और खाने में भी बिल्कुल उसी तरह लगेगा। तो एक बार इसे बनाइएगा तो आप इसे बार बार बनाइएगा। तो इसे ज़रूर बनाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड।